एक ऐसा देश जो हमेशा परिवर्तन से गुजरा रहा है, जहां पुराना नए को रास्ता ही नहीं देता है बल्कि उसे एक पथ की तरह अपने में समाहित कर लेता है। प्राचीन काल से अब तक भारत की यही आत्मसात प्रकृति इसे विश्व में सबसे अनोखे सभ्यता के रूप में बनाए हुए है। हमारी इसी सभ्यता के विकास में इतनी कहानियां आई और गईं, लेकिन जो नहीं बदला वो हमारी लोकतंत्र के प्रति जीवंतता और हर एक प्रहार के बाद फिर से उठ खड़े होकर दोगुनी तेजी से विकास की गाथा। ऊपर कही गई ये सभी बातें आज हमारे राष्ट्रपति कार्यक्रम के अंक यानी ज्ञानी जैल सिंह के कार्यकाल से पूरी तरह मेल खाती है, क्योंकि इनके समय अनेकों ऐसी घटनाएं हुई जब एक समय लगा कि अब आगे भारत फिर से एक बड़े सांप्रदायिक विभाजन के मुहाने पर खड़ा है। पंजाब से लेकर दिल्ली एक बार फिर जल रहा था और दिल्ली इस समय इतना वेवस था कि चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। यानी जैल सिंह के राष्ट्रपति कार्यकाल में ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और 1984 के सिख विरोधी दंगे जैसी बड़ी घटनाएँ हुई। आज हम इस अंक में बात करेंगे भारत के पहले सिख राष्ट्रपति यानी जैल सिंह के जीवन परिचय की। हम बात करेंगे उस रूमर की जब कहा गया कि यानी जैल सिंह ने अपनी राष्ट्रपति उम्मीदवारी के समय ही एक बिना डेट लिखे इस्तीफे पत्र को लिख दिया था। साथ ही इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी के साथ उनके रिश्तों की राष्ट्रपति के रूप में पहले पॉकेट वीटो के प्रयोग और इसके बाद राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग तक लाने की तैयारी की। तो आइए शुरुआत करते हैं इनके जीवन परिचय से। यानी जैल सिंह का जन्म ब्रिटिश भारत के फरीदकोट राज्य और वर्तमान पंजाब राज्य के एक छोटे से गाँव संधवान में 5 मई 1916 को हुआ था। इनके पिता का नाम किशन सिंह एवं माता का नाम इंदिरा कौर था। इनके पिता पेशे से एक बढ़ई थे। 5 भाइयों और 1 बहन में सबसे छोटे जैल सिंह ने बचपन में ही अपनी मां को खो दिया था। उनका पालन पोषण उनकी मां की बहन दया कौर ने किया। यानी जैल सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय गांव के स्कूल से ही प्राप्त की। लिखा जाता है कि उनकी धार्मिक ग्रंथों के प्रति रुचि और ज्ञान इतना था कि उन्हें ज्ञानी की पदवी तक मिल गई। उन्होंने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा संगरूर के DAV हाई स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की, जो उस समय अविभाजित भारत का हिस्सा था। तत्पश्चात उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की। देश की स्वतंत्रता एवं अपने देश के प्रति प्रेम के लिए यानी जैल सिंह ने मात्र 15 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध काम कर रहे एक अकाली दल के सक्रिय सदस्य के रूप में सम्मिलित हो गए। 1938 में उन्होंने प्रजा मंडल नामक एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया, जो भारतीय कांग्रेस के साथ मिलकर ब्रिटिश विरोधी आंदोलन किया करती थी। इसी कारण उन्हें जेल भी भेज दिया गया। उन्हें 5 वर्ष की सजा सुनाई गई। इसी दौरान उन्होंने अपना नाम बदलकर जैल सिंह रख लिया। सन 1946 में फरीदकोट जिले में किसी कार्यक्रम के दौरान जब जैल सिंह को अंग्रेजों द्वारा तिरंगा झंडा फहराने और आंदोलन से रोका गया, तो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को चिट्ठी लिखकर फरीदकोट आने का अनुरोध किया। लिखा जाता है कि जब नेहरू फरीदकोट दौरा पर आए तो उन्होंने देखा कि कैसे पूरा फरीदकोट यानी जैल सिंह की बातों का अनुसरण कर उन्हें अपना नेता मानता है। इससे प्रभावित होकर नेहरू ने उन्हें अपनी पार्टी में सम्मिलित कर लिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यानी जैल सिंह को पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्यों के संघ का राजस्व मंत्री बनाया गया। 1951 में जैल सिंह जी कृषि मंत्री भी बनाए गए। इसके अलावा वे 1956 से 1962 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। 1972 से 1977 तक वे पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे। 1980 में पुनः लोकसभा सदस्य के रूप में उन्होंने इंदिरा गांधी के कार्यकाल में देश के गृह मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। 1982 में नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सर्वसहमति से ज्ञानी जैल सिंह को राष्ट्रपति पद से नवाजा गया। 25 जुलाई 1982 को उन्होंने इस पद की शपथ ली। राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान ज्ञानी जैल सिंह का एक कथन खासा चर्चा में रहा, जब उन्होंने कहा था कि अगर इंदिरा गांधी कहें तो वे सड़क पर झाड़ू लगाने के लिए भी तैयार हैं। राष्ट्रपति बनते ही ज्ञानी जैल सिंह से उनका इस्तीफा लिखवाया गया, जिस पर कोई तारीख नहीं थी। इसके पीछे विचार ये था कि 1985 के चुनाव के बाद अगर राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाता तो इंदिरा गांधी
राष्ट्रपति भवन चली जाएंगी। यानी जैल सिंह का राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल प्रारंभ से अंत तक विवादों से ही घिरा रहा। वर्ष 1982 में राष्ट्रपति शपथ के 2 वर्ष बाद ही इनके कार्यकाल का बड़ा संकट तब आया जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के आदेशों के अनुसार राष्ट्रपति को बिना कोई सूचना दिए सिख अलगाववादियों को पकड़ने के उद्देश्य से अमृतसर के स्वर मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। पंजाब के इस उन्मादी माहौल के सरगना भिंडरवाले और ज्ञानी जैल सिंह की नजदीकी पर अनेकों विवादित लेख लिखे गए। आलोचकों ने लिखा कि जिस भिंडरवाले के खिलाफ ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया जा रहा था, कभी उसे उकसाने और शह देने का काम गृह मंत्री रहते ज्ञानी जैल सिंह के माध्यम से ही इंदिरा गांधी द्वारा राजनीतिक उद्देश्यों से किया गया था। कहा जाता है कि एक मौके पर भिंडरवाले की मुलाकात संजय गांधी से भी कराई गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद भी जब राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इस घटना पर राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित करना चाहा, तो उन्हें इसके लिए भी मौका नहीं दिया गया। आगे 31 अक्टूबर 1984 को सिख विरोधी गतिविधियों के लिए तात्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जिम्मेदार मानते हुए उनके ही सुरक्षा कर्मियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना पहले ही धीमी आंच में जल रही आग में घी डालने का काम कर गई और अब इससे समूचे देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। जगह जगह सिख विरोधी दंगे भड़कने लगे। राष्ट्रपति जैल सिंह इस समय ओमान दौरे पर थे। आनन फानन में वे शीघ्र ही देश लौट आए और तत्काल बिना किसी संसदीय दल की बैठक के या किसी सर्वसम्मत प्रस्ताव के बगैर उन्होंने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी। हालांकि उनके इस निर्णय पर भी उनकी तीखी आलोचना हुई। जब उनके इस निर्णय के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसका एक भावनात्मक जवाब देते हुए कहा कि इससे देश एक बड़े नरसंहार से बच गया। राजीव को शपथ दिलाने की वजह से उस वक्त जो दंगे शुरू हुए थे उन पर काबू पाया जा सका। हालांकि राजीव गांधी के कार्यकाल की शुरुआत से ही ये लगने लगा कि उनके और ज्ञानी जैल सिंह के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इसका पहला संकेत तब मिला जब जैल सिंह के नजदीकी आर के धवन को न सिर्फ उनके पद से हटा दिया गया बल्कि ये कहानी गढ़ने की कोशिश की गई कि प्रधानमंत्री की हत्या के षड्यंत्र में उनका भी हाथ हो सकता है। आलोचक लिखते हैं कि यह मनमुटाव इतना बढ़ गया कि अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें इस्तीफे के लिए भी कहा जाने लगा। इन्हीं विवादों के बीच राजीव गांधी सरकार ने जब संसद में पोस्टल बिल पेश किया जिसमें व्यवस्था थी कि किसी भी व्यक्ति के डाक को खोलकर पढ़ा जा सकता था, जब ये बिल संसद से पास होकर ज्ञानी जैल सिंह के हस्ताक्षर के लिए आया तो सरकार का मानना था कि अगर ये बिल राष्ट्रपति द्वारा वापस किया जाता है तो सरकार उसे पुनः उनके हस्ताक्षर के लिए भेजेगी और ऐसे में संविधान के 44वें संशोधन के तहत वे उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होंगे। हालांकि राष्ट्रपति ने तय किया कि वे बिल को वापस न लौटाकर उसे अपने पास ही रखेंगे क्योंकि संविधान में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति कब तक किसी बिल को रोक सकता है। इसे पॉकेट वीटो का नाम दिया जाता है। इस घटनाक्रम के बाद माना जाने लगा कि राजीव गांधी की सरकार उनके खिलाफ महाभियोग ला सकती है, लेकिन इसके लिए सरकार के पास राज्यसभा में पर्याप्त समर्थन नहीं था। अंततः यह संकट टल गया। इसके बाद कुछ अन्य विवादित मुद्दे जैसे कि बोफोर्स की खरीद में घोटाला, राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए दस्तावेजों को सरकार द्वारा प्रस्तुत करने से इनकार और सरकार को उनकी बहुप्रचारित फटकार के कारण यह अटकलें लगाई जाने लगी कि ज्ञानी जैल सिंह का इरादा राजीव गांधी सरकार को बर्खास्त करने का था। हालांकि इन वाद विवाद और सरकार से बनते बिगड़ते रिश्तों के बीच ज्ञानी जैल सिंह 1987 में अपने राष्ट्रपति कार्यकाल को पूरा कर सेवानिवृत्त हो गए। अंततः 25 दिसंबर 1994 में तख्त श्री केशगढ़ साहिब जाते समय उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। दिल्ली में जहां ज्ञानी जैल सिंह का पार्थिव शरीर रखा गया उसे एकता स्थल का नाम दिया गया। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा ये पॉडकास्ट आपको बेहद पसंद आया होगा।